नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बिहार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय सराफ ने कहा है कि विपक्ष को नए संसद भवन का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश का चौमुखी विकास अगर हो रहा है, नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, तो विपक्ष वहां शामिल होकर नए संसद भवन की शोभा बढ़ाए। इन सब मुद्दों पर टीएनपी न्यूज के संवाददाता शिवम पांडे ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय शरीफ से खास बातचीत की है। 28 तारीख को नया पार्लियामेंट मिलने वाला है देश को, इसको लेकर आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जी हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। पहला सवाल ये है कि 29 जो पार्टियां वो लगातार नए संसद भवन का विरोध कर रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई नई बात तो करे ना वो, उनको ये बताइए कि क्या पार्लियामेंट बनाना गलत बात है। ये मेरे को लगता है ये अगर 100 साल पहले पैदा होते तो उस वक्त अंग्रेजों को भी ये बहिष्कार कर लेते कि भाई पार्लियामेंट नहीं बनना चाहिए। ये लोग एक नेगेटिव थॉट को लेकर चल रहे हैं। जो 1960 में पार्लियामेंट बना उसकी जगह, एक तो 100 साल पुराना हो गया, दूसरी उसकी जगह कम है। तब से अभी तक 135 करोड़ लोग देश में बन गए, डिलिमिटेशन नया हो रहा है, उसके बाद में पार्लियामेंट की सीटें बढ़ेगी, लोकसभा की बढ़ेगी, राज्यसभा की बढ़ेगी, हर एक मेंबर पार्लियामेंट को अपना अलग कमरा दिया जाएगा, हर एक मेंबर पार्लियामेंट के क्षेत्र के कम से कम 15-15 लाख लोग जो उसको वोट देकर भेजते हैं वो भी चाहते हैं कि दिल्ली में आकर अपने मेंबर पार्लियामेंट के साथ मिले, उसके कमरे में मिले, उसके पास कोई जगह नहीं है, तो कौन सी गलत बात की प्रधानमंत्री? सबसे दूसरी बात है कि उसमें सबसे बड़ी बात है कि सुविधाएं, आज से 100 साल पहले क्या था क्या नहीं था आपको सब पता है, मोबाइल नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी, ट्रांसलेटर नहीं था, अब वो सब चीज़ मिलेंगे। साउथ वाले को हिंदी नहीं आती है, उसके साथ ट्रांसलेटर लगा रहता है, उसके साथ लैपटॉप लगा रहता है, उसके साथ कंप्यूटर लगा रहता है, उसके साथ माइक्रोफोन लगा, वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है, जितने भी लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज में सुनते हैं। मेरे कश्मीर से कोई कश्मीरी में बोलेगा तो यहाँ इंग्लिश वाला इंग्लिश में सुनेगा, हिंदी वाला हिंदी में सुनेगा, उर्दू वाला उर्दू में सुनेगा, तो कौन सा गलत काम किया प्रधानमंत्री ने? सर, विपक्ष का एक ही सवाल है। प्रधानमंत्री ने गलत कौन सा काम किया? अपने लिए घर नहीं बनाया ना 45 करोड़ लेकर जो केजू बाबा चलाते रहते हैं? कल तक बोलते थे न गाड़ी लेंगे, न सिक्योरिटी लेंगे, न कुछ लेंगे, फिर 45 करोड़ का घर बना दिया, 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बना दिया। ये सब चीज ड्रामा है, इन सब चीजों को कोई मतलब नहीं है। ये देश के हित के लिए है, देश के लिए है। इस देश में खाली प्रधानमंत्री नहीं बैठेगा, इसमें आज के टाइम के 555 लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट बैठेंगे। मीटिंग हॉल अलग से बना हुआ है, जो मीटिंग हॉल नहीं होता था प्रधानमंत्री के साथ साथ जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीटिंग हॉल में स्पीच करते हैं, पहला स्पीच राज्यसभा के टाइम, लोकसभा या जब भी सेशन स्टार्ट होता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसमें स्पीच करता है, उसके लिए हॉल पूरा नहीं था। सब अगर आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जहां 2 लोग बैठते हैं वहां 4-4, 5-5 मेंबर पार्लियामेंट, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठती है। तो ये सब चीज़ों को, इनको कोई ऐसा चीज़ उठाए, कोई करप्शन किया है क्या? प्रधानमंत्री के किसी रिश्तेदार ने बनाया? अगर किसी रिश्तेदार ने बनाया है पार्लियामेंट तो तब बताइए। अरे भाई, जो बना है सामने है, जो पैसा लगाया है सामने है, तो आप अगर इनके पास करप्शन का कोई मुद्दा मिला नहीं पिछले 10 साल में, 9.5 साल हो गए कोई करप्शन मिला नहीं, इनके टाइम में 2G 4G जीजा जी साला जी सब लोग थे, अब आज उनको वो सब मिला नहीं, उसके बदले में ये सब नौटंकी कर रहे हैं। इसका कोई महत्व नहीं है, कोई मकसद नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो भी पार्लियामेंट बनाया वो देश हित में बनाया, देश के लिए बनाया। सर, ट्वीट किया जाता है राहुल जी के अकाउंट से कि उसमें राष्ट्रपति को उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा, इसको लेकर 19 पार्टियों ने विरोध किया। सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ट्वीट ही कर सकते हैं। क्यों नहीं बुलाया गया सर, क्या कारण है? कुछ कारण है क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं बुलाएंगे? उनको पूरी रेस्पेक्टफुली बुलाएंगे, प्रॉपर इज्जत से बुलाएंगे। जब भी कहीं सेशन होता है उससे पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है। प्रेसिडेंट अगर यहाँ पर ऑनरेबल पीएम के माध्यम से ये इसका इनॉग्रेशन हो रहा है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेहरा देखेगा। ये सब चीज़ों को देखो, ये सब चीज़ों का वैलिडिटी नहीं है। मेन चीज़ देखना है कि ऑनरेबल पीएम ने देश को दिया क्या, एनडीए ने आपको दिया क्या, साल भर में बना के क्या दिया, उस चीज़ को देखिए ना। और इसमें कोई करप्शन नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं बनाया, ये प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से जिस तरीके से बनना था ऑनलाइन पूरा, सब लोगों ने जो जो इसमें काम करने वाले थे जिन्होंने इसके लिए काम किया उसके लिए उंगली उठाई है ना कि भाई उसने बनाया, वो उसका रिश्तेदार था, वो जीजा था उसका, वो उसका साला था, वो माँ थी, सांस थी, वो साला था, वो जीजा था, वो जी था, वो ये जी था, वो यहाँ सब कोई ये जी वो जी है नहीं, ना जीजा जी है ना साला जी है, ये देश के हित में काम हुआ है,
अगर इस काम में कहीं पर कोई कमी हुई है उसके बारे में बात करें, बाकी ये सब चीजों से महत्व नहीं है। ऑनरेबल पीएम इनॉग्रेट करता है, किसको बुलाता है, क्या सबको, सब ऑल आर इनवाइटेड। सर 2024 चुनाव लोकसभा पास में, नीतीश कुमार जी पूरा दमखम लगा दिए हैं प्रधानमंत्री को लेकर, क्या कहें? नीतीश जी के पास आज क्या है अपना? नीतीश जी 2014 में जब इलेक्शन लड़े हैं, हम भी, हमारी पार्टी भी बिहार से बिलोंग करती है, बाहर पूरे देश में भी है लेकिन बिहार में मेन बेस है। 2014 में नीतीश जी को क्वेश्चन करिए ना, कितनी सीटें आई थी जब वो एनडीए के बाहर निकले थे? एक सीटें आई थी जनता दल यूनाइटेड को। उसके बाद जब 19 में आ गए तब इन्होंने इनको 20 सीटें दे दी, 20 में से 19 सीटें लेके आ गए, 18 या 19 सीटें कुछ लेकर आ गया। नीतीश जी को पता लग जाएगा 2024 में पूरा देश का नौजवान, माँ बहन बेटी, हर कास्ट, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, ब्राह्मण है, दलित है, सब लोग ऑनरेबल प्रधानमंत्री के चेहरे को, उनके काम को, उनकी सिंसेरिटी को, ऑनेस्टी को, उन्होंने जिस तरीके से देश का रुतबा पूरे यूनिवर्स में बढ़ा दिया, उस विकास को वोट दे। सर आपने पूरे दमखम और दावे के साथ बोल रहे हैं, बिहार में तो 40 सीट है लोकसभा की, इस बार कितनी आएगी लोकसभा चुनाव की? पहले 39 आई थी, इस बार भी वही 39 आएगी। सर आप सतपाल मलिक का एक आपका बयान चल रहा है कि सतपाल मलिक को आपने एक बयान दिया, क्या कौन सा बयान? मैं सतपाल मलिक साहब को कहना चाहता हूँ, आप गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, एक गवर्नर की जो एक्सेस होती है वो डीजी के साथ होती है, चीफ सेक्रेटरी के साथ होती है, एक सब इंस्पेक्टर के साथ जो देवेंद्र सिंह था उसके साथ उसका क्या रिलेशन है? वो बेटा बेटा उसको कहता है, अच्छी बात है आप किसी को भी कह सकते हो बेटा बेटा, लेकिन वो बेटा जब मिलिटेंट निकला, मिलिटेंट को वो क्रॉस करवा रहा था, तो सतपाल मलिक बोले वो बेटा और बाप का क्या रिलेशन है, क्या वो हकीकत में उसका बाप है? अगर बाप है तो मैं चाहता हूं एमएचए से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराए, कितनी बार देवेंद्र और इसकी आपस में बात हुई है, जो बेटा बना हुआ था, बेटे और वो वाले बेटे और बाप में कितनी बार बात हुई है, और ये बेटे बाप की कम्युनिकेशन खोले और देखे कि अगर फिर बेटा पकड़ा गया तो बाप क्यों खाली है, बाप के अगेंस्ट भी एफआईआर होना चाहिए, तो हम चाहते हैं बाप के अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये उसका बेटा था या बेटा होकर ये उसको बाप बोलता था, तो बाप और बेटे में अगर बाप बेटा पकड़ा गया, बेटा अगर मिलिटेंटों के साथ में है तो बाप को इस चीज का पूरा पता होगा, बाप को ये क्लियरफाई करना चाहिए कि मेरे बेटे ने अगर गलत किया तो मैं भी बेटे के साथ में खड़ा हूं। तो ये थे संजय सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शिवम पांडे, टीएनपी न्यूज़, दिल्ली।